अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ जी फरिया बलोच। और हो जाए फिर आज एक जो है हमारे साथ मज़ेदार सा एक और व्लॉग अपनी जो है रूटीन दिखाने का। तो आज मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी आलू और चिकन का पुलाव, क्योंकि आज जो है मेरा चीट डे है। तो मैंने कहा आज मैं आलू चिकन पुलाव खाऊंगी। वैसे मेरा आलू डालने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या है चिकन थोड़ी कम है, तो फिर मैंने सडनली सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़े से आलू ऐड कर दिए जाएँ। तो फिर अभी मैं आपको जो है ना इसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तब तक मैं यहाँ कर रही हूँ प्याज को अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई। आज बहुत दिनों के बाद मैं प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ अपने यूट्यूब पर। तो यहाँ मैंने ले लिया है चिकन पाउडर जो कि है 1 टीस्पून भर के, यहाँ ली है कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि हैं 1/4 टीस्पून, ये है होल गरम मसाला 1 टीस्पून, ब्राउन अनियंस हैं जो कि हैं 2 टेबल स्पून, 3 बेलीज हैं, सौंफ इसमें ज़्यादा जाएगी जो कि है 1.5 टेबल स्पून, और ये है सॉल्ट, ये मैंने लिया है चिकन और चावलों के हिसाब से। ये है हमारा जो है गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये है कुटी हुई क्या कहते हैं हरी मिर्चें, ये हैं चॉप हुई हुई स्लाइस्ड क्या कहते हैं टोमेटोज़ हैं जो कि 2 बड़े हैं, और ये देखें मैंने येलो आलू जो है बॉईल कर लिए, मतलब थोड़ा फूड कलर डाल दिया ताकि ज़रा खूबसूरत लगे, और ये है अनियन ब्राउन जो कि गार्निश करेंगे, ठीक है ना। ये है सोक राइस, गोल्डन चिकन को, और फिर हम इसमें डालते हैं 2 मिनट 3 मिनट जब भी हो जाए गोल्डन टमाटो। अब इसमें जो है हम ये नमक भी ऐड कर देंगे और चिकन पाउडर भी। कवर करके छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह ये बेहतरीन सा भून गया है, इसकी शक्ल ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगी है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें जो है ना पानी ऐड कर देंगे 1 जग, मतलब हाफ जग अभी कर दिया दोनों भी। पानी दिखाते हैं पॉट तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपने राइस। आप अपना पानी देख लीजिएगा अपने चावल के हिसाब से कि वो कैसा है। तो चलिए इसको अब हम लगाते हैं, इसके बाद जो है दम, दम पे लगाते हुए मैं जो रंग डालूंगी आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा मतलब ये दम पे जा रहा है, मतलब इसकी खुशबू माशाल्लाह ऐसी उठ रही है कि अभी जो है मेरे 2 नेबर्स आए मुझसे पूछने के दरवाज़ा बजाया और पूछने लगे कि आप ऐसा क्या पका रही हैं कि हम सो रहे थे और हम नींद में से उठ के जो है खुशबू से आ गए आपके खाने की, ऐसा क्या पक रहा है आपके घर। खैर बाहर बहुत ही माशाल्लाह तो एक मजाक था, मज़े की खुशबू आ रही है कि दूर दूर तक फैली हुई है हमारे घर में, बहुत अच्छी आ रही है ना, बहुत मज़े की माशाल्लाह। तो अभी खैर हम जो है तो एक मजाक था, मजाक नहीं था, वैसे ऐसा हो रहा होगा लोगों को दूर दूर तक खुशबू जा रही होगी। तो क्या कहते हैं इसमें हम डाल देंगे, ऐसा करते हैं फूड कलर अभी मैं ऐड कर देती हूँ, नहीं अभी नहीं करती क्योंकि ज़रा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। हम जो है ना साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रहे हैं, और अपना एक बहुत बड़ा जो है दुख मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ कि आप ये देखें यहाँ पे मेरी नल में कैसी धार आती है, और जो है मैं ये मसले मसाइल इसमें होते हैं, और फिर ये इतना बड़ा काम हम नहीं कराना चाहते क्योंकि ज़ाहिर है हम रेंट पर हैं, और अगर हम इसमें काम कराएंगे तो हमें खामा खां का बहुत ज़्यादा ख़र्चा पड़ जाएगा। तो इसमें किसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सिर्फ औरतों को, और जो कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ इस स्पीड के साथ बर्तन और कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर बहरहाल मेरे इस दुख में आप लोग मेरे साथ बराबर के शरीक हैं, मुझे पता है मेरी YouTube फैमिली मेरे साथ दे रहती है हमेशा और मेरा हर दुख जो है ना सुनती है और मुझे हौसला देती है। तो चलते हैं पुलाव की तरफ, करके दम खोलते हैं इसका। ओह क्या ज़बरदस्त स्टीम उठी है, देखेंगे इसका फाइनल वो है, इसको चेक करते हैं अच्छे से दम हो गए। चले मैं इसकी जो है आपको दिखाती हूँ निकाल के। टेस्ट पकता है क्या?
रेडी हो गया हमारा चिकन आलू पुलाव, इसको पंजाबी पुलाव भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है पंजाबी जो है ना हर चीज में आलू जरूर ऐड करते हैं। खैर इसके कलर्स और इसका जो है जो खुशबू है जिसकी वजह से मोहल्ले वाले तक नींदों से उठ के आ गए, तो देखते हैं वो बना कैसा है। टेस्ट कर देती हूँ मैं आपके सामने, जाहिर सी बात है अपनी तारीफ अच्छा नहीं भी बना तो करनी तो पड़ेगी ना सुधीर, है ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसके साथ ग्रीन रायता भी सर्व किया है क्योंकि पुलाव के साथ हमेशा ग्रीन हरे मसाले का रायता हमेशा अच्छा लगता है, तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा। चलें तो सुना करके हम करते हैं इसको टेस्ट। रायते के बगैर भी खाया मैंने, दिस इज लश पश माशाल्लाह माशाल्लाह की दावत पे बना है। और अभी ऐसे लोग हम थोड़ा और एंटरटेन करेंगे, मतलब एंटरटेन करेंगे एंटरटेन करेंगे, मतलब इसको हम इसमें थोड़ी और जान डालेंगे ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि आज हम फिर से खाएंगे मीठा और आज मेरा दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का, तो क्यों ना हम चलें बाहर, क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहिए ब्लॉग को और मज़ेदार बनाने के लिए। चलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए, ये पुलाव खा के चलते हैं आइसक्रीम खाने और आप लोग इसको बनाइएगा जरूर। आता कि हम बाहर जाएंगे लेकिन बात ये है कि आपको पता है लाइट्स आ रही जा रही है कितनी ज़्यादा, तो अब जब लाइट आई उसके बाद भी लाइट चली गई थी उतना शूट करने गया, तो फिर बच्चों के भी कुछ काम रह गए कुछ मेरे भी रह गए, तो बच्चों ने कहा कि क्यों ना घर पर मंगा लिया जाए आज और फिर हम नेक्स्ट व्लॉग जो है किसी अच्छे आइसक्रीम पार्लर में चल के इत्मीनान से करेंगे जिस दिन मेरी भी छुट्टी होगी काम की और बच्चों की भी छुट्टी होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है इट्स बेटर, फिर हम किसी दिन बाहर जाके जिस दिन हमारा हॉलीडे होगा अच्छी सी हम शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे उसके बाद। और फिर अभी हमने जो है ओमोर ऑर्डर कर ली, वॉल्स खाना चाह रही थी मैं, वॉल्स का एक नया फ्लेवर आया हुआ है यानी क्या पनीरी क्या है वो नाम, तो खैर बहरहाल वो नहीं मिला मुझे ऑनलाइन तो हमने ये मंगा लिया। आमना है और आमना को जो है आइसक्रीम खाने की जल्दी है, है? नहीं भाई इनको कोई जल्दी नहीं है और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये कि बस दिल चाह रहा था कि एक अच्छे से उसके बाद जो खाने के बाद कभी कभार दिल चाहता है कि भाई कुछ खा लिया जाए, तो अभी हम इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। और दिखाने के बाद से पहले ही मैं आपसे ले लूँगी इजाज़त, फेसबुक पर मौजूद हूँ प्लीज़ फॉलो कीजिए जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, और जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो भी जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और जो है हमें दुआओं में याद रखें। आइसक्रीम दिखाती हूँ मैं दोनों आपको फ्लेवर निकाल के और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक मुझे मेरी फैमिली को हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। है जी आइसक्रीम आप लोगों को हमने कहा था कि हम बाहर जाएंगे, एक फ्लेवर शाही नहीं है ये मैंगो है सॉरी, एक हमने शाही भी देखा था, चलो ये आ गया, और ये है कुकी मैनिया जिसमें अंदर शायद ये थोड़ी छोटे मोटे कोई चंक्स भी होंगे ओरियो, तो मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ कैसा होगा।